नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिहार के साथ साथ पूरे देश में और पूरे देश ही नहीं संपूर्ण विश्व में कोरोना अपना जाल बिछाया हुआ है और यह पूरे मानवता को धीरे धीरे निगलते जा रहा है। और इस परिस्थिति में भी बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स फेस ग्रुप के द्वारा शिक्षा को आगे बढ़ाने का और उसका अलग जगाने का काम निरंतर जारी है। मैं डॉक्टर नवीस कुमार चौधरी, पिंडारू विश्वविद्यालय दरभंगा में कार्यरत हूँ और आज ये मेरा परिचयात्मक क्लास है। तो मैं सबसे पहले आपको यह बता दूं कि मैं 11वीं कक्षा का हिंदी विषय का क्लास लूँगा और मैं इस विषय के बारे में परिचय आपको दे दूं। इसको ध्यान से देखा जाए, यह कैचअप कोर्स है और गद्य खंड के अंतर्गत पूस की रात, कहानी प्रेमचंद, कविता की परख, वैचारिक निबंध रामचंद्र शुक्ल, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, व्यक्ति परख निबंध कुमार गंधर्व, आंखों देखा गदर संस्मरण विष्णु भट्ट गोडसे वर्षैकर, चलचित्र फिल्म पर निबंध सत्यजीत राय, वियतनाम यात्रा वृत्तांत भोला पासवान शास्त्री, सिक्का बदल गया कहानी कृष्णा सोरती, उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति हनीश्वर नाथ रेणु, एक दीक्षांत भाषण हरिशंकर परसाई, सूर्य सांस्कृतिक निबंध ओदोलेन इसमें कल, भोगे हुए दिन कहानी मेहरुनिसा परवेज, गांव के बच्चों की शिक्षा कृष्ण कुमार। यह जो गद्य खंड है इसमें कुल 12 गद्य हैं। इसी प्रकार पद खंड पद विद्यापति पद, कबीर पद, मीराबाई पद, सहजोबाई, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र, झंकार मैथिली शरण गुप्त, तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बहुत दिनों के बाद नागार्जुन गालिब सोनेट त्रिलोचन, जगन्नाथ केदारनाथ सिंह पृथ्वी नरेश सक्सेना, मातृभूमि अरुण कमल। इसमें भी कुल 12 पद्य हैं। तो हमने देखा कि इस पूरे हिंदी का जो पाठ्यक्रम है 11वीं कक्षा का, उसमें कुल 12 गद्य खंड से है और 12 पद्य खंड से। तो 11वीं कक्षा का ये जो हिंदी विषय है इसमें हम दो शिक्षक मिलकर के इसको पूरा करेंगे और मेरे परम मित्र हैं डॉक्टर लालकुल कुमार। तो हम लोग क्रमबद्ध रूप से, जैसे मैं कविता की परख वैचारिक निबंध रामचंद्र शुक्ल, इसी प्रकार जो चौथा है आंखों देखा गदर संस्मरण विष्णु भट्ट गोडसे वर्षैकर, फिर छठा मेरी वियतनाम यात्रा वृत्तांत भोला पासवान शास्त्री, आठवां उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति रिपोर्टाज फणीश्वर नाथ रेण, इसी प्रकार सूर्य सांस्कृतिक निबंध ओदोलेन इसमें कल, गांव के बच्चों की शिक्षा कृष्ण कुमार। इसका अध्यापन, इन सभी पाठों का अध्यापन मैं करूँगा। इसी प्रकार पद्य खंड में पद कबीर, पद सहजोबाई, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र, झंकार मैथिली शरण गुप्त, बहुत दिनों के बाद नागार्जुन गालिब सोनेट, जगन्नाथ केदारनाथ सिंह, मातृभूमि अरुण कमल। इसमें भी जो जिन जिन पदों का मैंने चर्चा किया उसका अध्यापन मैं करूंगा। इसके अतिरिक्त जो भी अन्य पद हैं वो डॉक्टर लालकुल कुमार इसको पूरा करेंगे। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। अब अगले कक्षा में मैं कविता की परख वैचारिक निबंध रामचंद्र शुक्ल को लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। इसके और आप लोग पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए धन्यवाद।